अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास हमने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में पढ़ा था एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की किस्में, कि एनर्जी की कितनी किस्में हैं और किन किन चीज़ों में एनर्जी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ देम आर गिविन बिलो। एनर्जी की जो है बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें से कुछ जो हैं यहाँ मौजूद हैं। मैकेनिकल एनर्जी सबसे पहले कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू काइंड्स। मैकेनिकल एनर्जी की दो किस्में हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी, बी काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम रीड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पजिस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू। एनर्जी जो एक बॉडी के अंदर मौजूद है और जो खूबी उसके अंदर है वो क्या है? ऑफ इट्स पोजिशन और चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी चीज़ का मूव करना, अपनी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना और उसके शेप में तब्दीली। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं इस एरो की। एरो जो होता है यूँ सीट टाइप में होता है, लेकिन जब हम इसको खींचते हैं तीर से तो वो शेप चेंज करता है और अपनी जगह से मूव करता है। तो ये शेप जो उसने चेंज की है और ये मूव भी हुआ है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी यूज हुई है? पोटेंशियल एनर्जी यूज हुई है। यहाँ से यहाँ पे भी है गा, एक रबर को जो है उन्होंने खींचा है तो उसने अपनी शेप भी चेंज की है और उसने पोजीशन भी चेंज की है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज हुई है? पोटेंशियल एनर्जी यूज हुई है। मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जिससे उसकी बॉडी शेप भी चेंज हो और पोजीशन भी चेंज हो, क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और इसको पीई लिखते हैं, इसका एब्रिविएशन है पीई। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे, लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर एग्जांपल्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज यूज फॉर फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। यहाँ पे अभी हमें और मजीद एग्जांपल्स दी जा रही है पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसमें सबसे पहले हमें एग्जांपल दी जा रही है एक गन की, कि गन जो है जब हम उस यानी गन को जब फायर करते हैं तो उसके अंदर का जो स्प्रिंग है वो मूव करता है और बुलेट जो है वो गन में से बाहर आ जाती है। शूटिंग अ स्टोन फ्रॉम अ कैटापल्ट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। एक पत्थर हैगा, उसको गुलेल जो होती है उसके ऊपर बांध के निशाना लगाना, वो भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की एक बेहतरीन मिसाल है। इन द अबव एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, द कंप्रेस्ड स्प्रिंग पजिसिस एनर्जी। यहाँ जो फायर करने के लिए स्प्रिंग को दबाया गया है उस पे जो है उसमें जो है एनर्जी मौजूद थी। ऑन अकाउंट ऑफ अ चार्ज इन शेप एंड द ब्रेक राइज अप टू अ सर्टेन हाइट पजिस एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि एक पत्थर जो है जमीन पर रखा है, उसको हम जो है ऊंचाई पर रख दें, कहीं उठा के ऊंची जगह पर रख दें, तो जो उसने एनर्जी यूज की है अपनी जगह से, यानी अपनी जगह से वो दूसरी जगह ऊंचाई पर शिफ्ट हो गया है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए जो एनर्जी यूज हुई है वो कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम। जो बॉडी का वजन है यानी मास, वो किससे शो होता है? एम से शो होता है। व्हेन राइज अप टू अ हाइट, जब उसको नीचे से ऊपर की जाने पर उठाया गया यानी के फासला तय किया गया ऊपर की जाने, वो हाइट होती है ऊंचाई। इज गिवन बाय अ फॉर्मूला, और इसका एक फॉर्मूला बन रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पी डॉट ई इज इक्वल्स टू एम जी एच। एम क्या है? एम मास है, जी यानी ग्रेविटी। अब जाहिर सी बात है, नीचे से कोई चीज ऊपर उठा ली जाएगी तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ, यानी जमीन जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अब हमने पत्थर को ऊपर की जानब जो है रख दिया, तो जमीन जो है अगर हम उस पत्थर को ऊपर ले जाके छोड़ देते तो पत्थर तो नीचे जमीन पर गिरता है, लेकिन हमने उसको किसी सरफेस पर रख दिया और वो नीचे नहीं जा रहा, यानी वहां पर ग्रेविटी का काम हुआ है। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी का जिक्र भी करेंगे और उसके बाद हाइट की जितनी ऊंचाई पर वो चीज रखी गई है। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द रिलेटिव चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जो गुरेल हैगी उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों? क्योंकि उसने अपना नक्शा यानी अपनी शेप चेंज की, अपनी पोजिशन चेंज की। वो जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि ये पहले एकदम ढीली थी रबर, उसके ऊपर पत्थर अटका के उसको खींचा गया है, उसको एक शेप भी दी गई है और उसके ऊपर जो है इसको शेप भी दी गई है और उसका शेप चेंज भी हुआ है, इसका पोजीशन भी आई है। देखें, ये पहले ढीली थी, अब ये जो है वी शेप में है क्योंकि खींचने की वजह से, और इसने अपना बॉडी शेप भी चेंज किया है और जगह भी यानी फासला भी तय किया है। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। दस
All these examples show that potential energy is possessed by virtue of its position or change in shape of an object. यानी कि अब ये बता रहे हैं कि तमाम examples से, तमाम मिसालों से क्या बात साबित हो रही है कि potential energy क्या है, किसी भी बॉडी का अपने पोजीशन को चेंज करना, अपनी बॉडी शेप को चेंज करना पोटेंशियल एनर्जी है. वी कैन आल्सो से दैट इट इज फॉर्म ऑफ हाइड एनर्जी. इसे हम छुपी हुई तवनाई भी कह सकते हैं. उसके बाद है डी काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी पजिस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. किसी भी जिस्म के अंदर हरकत का होना काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो भी चीज मूव कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी है. वी कैन आल्सो से दैट दिस एनर्जी इज जस्ट अपोजिट टू पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म ऑफ इट डायनामिक्स. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी से काफी मुख्तलिफ है, उसकी उलट है. इट इज एब्रीविएटेड एज के ई, और इसको हम के ई से एब्रीविएट करते हैं. आई मूविंग बुलेट, आई मूविंग एरो, आई मूविंग ऑटोमोबाइल एंड ऑपरेटिंग प्लैनेट्स पजिस काइनेटिक एनर्जी. मूविंग बुलेट यानी चलती हुई गोली, अ मूविंग एरो एक तीर, अ मूविंग ऑटोमोबाइल जो ये कार्स वगैरह हैं, ऑपरेटिंग प्लैनेट यानी कि सैयारे जो घूम रहे हैं, इन सब के अंदर क्या है काइनेटिक एनर्जी है. द फास्टर अ बॉडी मूव्स, एक बॉडी है जो बहुत तेज मूव कर रहा है, द मोर काइनेटिक एनर्जी इट हैज, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. इफ द स्पीड इंक्रीज टू टाइम्स, अगर वही इंक्रीज यानी स्पीड जो है उसकी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज डबल, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है उसके अंदर ज्यादा है. Thus, we can say that the speed and kinetic energy are directly proportional to each other. यानी हम ये कह सकते हैं कि kinetic energy जो है वो speed के साथ साथ, यानी अगर हम अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे तो kinetic energy भी साथ में बढ़ेगी, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी चीज जो move कर रही है उसको move करने के लिए कौन सी energy की जरूरत है, kinetic energy, यानी movement kinetic energy. तो कोई भी चीज तेज मूव करेगी तो kinetic energy तेज है, कोई भी चीज स्लो मूव करेगी तो उसके अंदर kinetic energy भी स्लो होगी. The kinetic energy of a body of a mass moving m with a speed v is equal to kinetic energy, जो body है उसका mass जो है m, और जिस speed से वो move कर रही है, speed जो है यहाँ पे v से show कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका formula क्या बन रहा है हमारे पास, k dot e is equals to m v square, ठीक, where m stand for mass, यहाँ पे जो है m जो है वो हमारे पास mass के लिए है, और v stand for its speed, और v जो है हमारे पास उसकी स्पीड के लिए है. वी नो डेट मूविंग वाइंड हैज enormous काइनेटिक एनर्जी. हम ये भी जानते हैं कि जो हवा चल रही होती है इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है. इट कैन इवन ब्लो द रूफ ऑफ अ हाउस और अप रूट ट्रीज, ये जो है छतों पे से भी गुजरती है, पेड़ों को भी छूके गुजरती है. अब आप लोगों ने देखा होगा जब पेड़ों को यानी हवा चल रही होती है तो जो पेड़ होते हैं वो खुद भी मूव कर रहे होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है हवा यानी मूव हो रही है, काइनेटिक एनर्जी है, छुपी हुई एक हाइड्रन एनर्जी है, और उससे जो है उसने पेड़ को मूव करवाया तो पेड़ जो मूव हुआ तो वो भी काइनेटिक एनर्जी के ही थ्रू मूव हुआ है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज फॉर ड्राइविंग विंड टर्बाइंस. विंड टर्बाइंस जो सोलर वो पैनल्स होते हैं जो हवा से गोल गोल घूमते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, तो वो किसकी वजह से घूम रहे होते हैं, हवा की वजह से. जिस तरफ हवा का रुख होगा वो उसी तरफ घूमेंगे, हवा तेज होगी वो ज्यादा जोर से घूमेंगे, हवा कम होगी तो वो स्लो स्लो मूव करेंगे. नेक्स्ट पेज पर है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवर वाटर इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विच इज वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो है वो दरिया के पानी को यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो है पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल होती है. लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू लर्न मोर अबाउट काइनेटिक एनर्जी. हम इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी के बारे में मजीद जान सकते हैं कुछ एक्टिविटीज के जरिए. यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई हैं, जैसे कि एक्टिविटी हम ये वाली एक्टिविटी देख लेते हैं. इसके अंदर हमें एक्टिविटी के बारे में काइनेटिक एनर्जी के बारे में इसमें हमें क्या बता रहे हैं, तो इसके अंदर कह रहे हैं टेक अन इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि इस तरह की जो सरफेस होती है नीचे की तरफ जाने वाली इसको इंक्लाइंड सरफेस कहते हैं. फाइंड यूज अ बैटरी सेल एंड अ मैच बॉक्स, उन्होंने एक सेल लिया है और एक मैच बॉक्स लिया है. प्लेस द मैच बॉक्स एट द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, अभी जो मैच बॉक्स है उन्होंने एकदम इंक्लाइंड प्लेन जहाँ खत्म हो रहा है वहां रख दिया था. रोल द बैटरी सेल डाउन टू इंक्लाइंड प्लेन, उसके बाद वो जो बैटरी सेल थी वो उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ भेज दी, यानी ऊपर रख के छोड़ दी, तो वो जैसे बात है इंक्लाइंड प्लेन है तो वो रोल होती हुई नीचे आ गई. वॉट डू यू सी, अब देखें ये इंक्लाइंड प्लेन हैगा, यहाँ पे उन्होंने मैच बॉक्स रखा हुआ था जहाँ पे अब ये लाइट शेडो हैगा. जब ये सेल उन्होंने ऊपर रखा हुआ था तो मैच बॉक्स यहाँ थी, जैसे ही उन्होंने सेल छोड़ा
ये सेल नीचे की तरफ आया और अपने साथ साथ मैच बॉक्स को भी न्यू पोजीशन पर ले गया, यानी इधर से आके इसने इतना डिस्टेंस जो है मूव किया मैच बॉक्स के साथ, ये न्यू पोजीशन है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आया काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट, फिर उसने वही एनर्जी मैच बॉक्स के अंदर भी पास कर दी और उसको अपने साथ लेकर आगे चले गया, यानी कि ये नई पोजीशन जो काइनेटिक एनर्जी की, इसने यहाँ से यहाँ तक जिसने मूव किया है इसके अंदर हरकत हुई है, तो ये भी क्या है काइनेटिक एनर्जी ही इसके अंदर है। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर कलेक्टिवली नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को आपस में मिला के क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी डेट इज रिलेटेड टू मशीन एंड डायनेमिक्स। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, जो मशीन और डायनेमिक्स से रिलेटेड हो। नेक्स्ट पेज, हीट एनर्जी। टेक अ कंटेनर विथ वाटर, एक बर्तन ले उसके अंदर पानी, कवर इट विथ अ लिड, फिर उसको जो है ढक दें, हीट इट टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, उसको तब तक गर्म करने जब तक पानी में उबालना आ जाए। डू यू नोटिस समथिंग, क्या आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, द लिड मूव अप एंड डाउन व्हेन द वाटर बॉइल्स, जो लिड है वो अप एंड डाउन होगा, ऊपर नीचे होगा जब पानी उबल रहा होगा। वाई, इट इज ड्यू टू द हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम, ये जो है हीट एनर्जी की जो स्टीम है उसकी वजह से हो रहा होगा। दस वी कैन से दैट द हीट एनर्जी इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ प्रेशर कुकर की, कि प्रेशर कुकर के अंदर जो है जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं प्रेशर कुकर को हम ढक देते हैं, उसके बाद हमें कैसे पता चलता है कि अंदर की जो चीज़ है वो बन गई, उसके ऊपर जो सिटी लगी होती है तो उसका लिड होता है वो बचता है, सीटी बजती है तो हमें पता चलता है कि अंदर की जो चीज़ है वो रेडी हो गई है। तो ये जो सीटी बजी है किस वजह से बजी है, स्टीम की वजह से, वो जो अंदर प्रोसेस हो रहा है पूरा उसके अंदर हीट जो है वो बढ़ती गई, और स्टीम जो है जब वो उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहा तो उसने क्या किया, वो प्रेशर दिया लीड के ऊपर और लीड जो है वो अप एंड डाउन होने लगी। तो ये क्या है, इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हीट भी जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, टेक अ मैच स्टिक, आप एक मैच स्टिक लें, स्ट्रीक इट अगेंस्ट अ मैच बॉक्स, और उसके बाद उसको जो है मैच बॉक्स के जरिए जलाएं, व्हाट हैपन, क्या होगा, इट बर्न्स एंड गिव अस हीट एंड लाइट। जाहिर सी बात है जब हम लोग माचिस जलाएंगे तो वो क्या हमें देगी, हीट भी देगी और लाइट भी देगी। दिस इज एनर्जी लॉग इन मॉलिक्यूल्स ऑफ इट्स कंपाउंड, उस वो जो माचिस थी उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर क्या थी, एनर्जी थी। व्हेन दिस मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज, जब हमने उसको जलाने की कोशिश की तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने केमिकल चेंज किया, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज, दिस एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। माचिस तो सबके घरों में होती है, सबने देखी होगी कि किस तरह से एक मैच बॉक्स होता है उसकी तीरी पे भी केमिकल लगा होता है और उसके मैच बॉक्स के ऊपर भी केमिकल लगा होता है। जब हम उन दोनों को यानी आपस में मिलाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है उन दोनों के बीच में और स्टिक जो है जल जाती है। द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज यूज टू रन कार एंड ट्रक्स। केमिकल एनर्जी जो है पेट्रोल और डीजल के अंदर की वो क्या करती है, वो कार और ट्रक्स को चलाने में मदद करती है। ऑन स्विचिंग ऑन अ टॉर्च, एक टॉर्च जो है वो किस तरह से जलती है, तो केमिकल एनर्जी स्टोर इन अ बैटरी सेल इन इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन चेंज इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। एक टॉर्च है उसको हम बैटरी सेल, वो बैटरी से चलती है, हम जब उसको ऑन करेंगे तो उसकी जो बैटरी सेल है यानी उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, हीट में हो जाएगी और लाइट एनर्जी में हो जाएगी। वुड कोल एंड केरोसिन ऑयल इज Also has chemical energy stored in them. Wood यानी लकड़ी, कोयला और केरोसिन ऑयल जो है अपने अंदर भी केमिकल एनर्जी रखते हैं। All living things take food to get energy. तमाम जानदारों को एनर्जी की जरूरत होती है और वो किससे हासिल करते हैं, गिजा से हासिल करते हैं। द फूड अंडरगोस मेनी केमिकल चेंज इन अवर बॉडी एंड रिलीज एनर्जी। अब हमारे अंदर जब खाना जाता है तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे अंदर जब खाना जाता है तो हमारे अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारे अंदर का जो खाना है उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, उससे तो हमें उस ग्लूकोज से क्या बॉडी में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज स्टोर इन अवर मसल्स एंड इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। और इसी तरह की कुछ एनर्जी जो होती है वो हमारे अंदर मौजूद होती हैं जो मस्कुलर एनर्जी कहलाती हैं। उसके बाद है हमारे पास साउंड एनर्जी। व्हाट हैपन व्हेन एन एरोप्लेन पास अवर योर हाउस और व्हेन लाउड थंडर अकर्स, कब क्या होता है जब हमारे आसपास कहीं जहाज गुजरता है। In all these cases, you feel the window and doors of the house rattling. Why?
इसके अंदर कह रहे हैं कि जब हमारे आसपास से कहीं से एरोप्लेन गुजरता है या बहुत जोर की हवाएं चलने लगती हैं, तूफान जैसे कि बादलों का गरजना होता है, तब क्या होता है, हमारे घर की जो खिड़की दरवाजे हैं उनके अंदर जो है वाइब्रेशन हो रही होती है, वो हिल रहे होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ एनर्जी इज द साउंड ऑफ द एरोप्लेन और थंडर, दस साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो आसमान पे उड़ रहा है एरोप्लेन, तो हमारे तक आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि एनर्जी साउंड पे जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो किसके जरिए ट्रेवल करती है, वो वाइंड वेव्स के जरिए, हवा के जरिए ट्रेवल करती है। तो जो जहाज है जो उड़ रहा है उसकी आवाज़ जो है हम तक पहुंच रही है, यानी साउंड भी जो है एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन फोटोग्रेटिक फिल्म अ केमिकल चेंज टेक प्लेस इन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द फिल्म। इसके अंदर बता रहे हैं फोटोग्राफिक फिल्म हैगी, जब वो आप लोगों ने देखा होगा पहले के जमाने में पर्दे पे पिक्चर्स चलती थी, तो ये बिल्कुल उसी तरीके की हमें एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक पर्दे के ऊपर जो है उन्होंने एक लाइट को जो है हिट किया है, तो जो है वहां पे एक पिक्चर जो है चलना स्टार्ट हो गई है। व्हाट डज इट हैपन, तो वो किस तरह से हुआ, द चेंज इन वर्ब एनर्जी, दिस लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये इस तरह से एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल है कि लाइट जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक एग्जाम्पल है। हाउ एवर इट डज नॉट नॉर्मली हैव इनफ एनर्जी टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट। हम मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कभी कभी कुछ एनर्जी ऐसी होती है जिससे यूज़ करने के बावजूद भी है जो है हम वर्क डन नहीं कर सकते, जैसे कि हैवी स्टोन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि वो भारी पत्थर जिस हम उसके ऊपर जितनी ही एनर्जी क्यों ना अप्लाई कर लें, अपनी कितनी ही फोर्स क्यों ना लगा दें, लेकिन हम उस वर्क को नहीं कर सकते। द लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। सोलर सेल्स के जरिए जो है हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी इज यूज इन वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी को जो है हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और फूड। लाइट एनर्जी जो है वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी जो है प्लांट्स के अंदर स्टोर करती है, और वो जो है उससे अपनी एनर्जी हासिल करते हैं प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। When you switch on a heater, electric current pass into it and the heater give us heat and light energy. इसके अंदर कह रहे हैं कि जब हम हीटर का स्विच ऑन करते हैं उसके अंदर क्या पास होता है, करंट पास होता है, और फिर वो हीटर हमें क्या करता है, हमें गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है। Hence, electricity is also a form of energy which is convert into heat and light energy. इसका मतलब ये है कि electricity जो है वो भी एक energy की form है, और वो heat और light energy जो है यानी फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी जो है किस में कन्वर्ट होती है, हीट में और लाइट एनर्जी में। अब फार्मर मेक अस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रन मोटर्स टू पंप आउट वाटर फ्रॉम वेल फॉर इरिगेशन। हमारे जो किसान हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं मोटर्स के लिए, और उससे वो जो पानी है वो पंप करते हैं और खेतों में जो है पानी पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू रन मशीन इन फैक्ट्रीज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल होती है मशीनों को चलाने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ट्रेन्स, लिफ्ट एंड फ्लोर मिल्स। फॉर व्हाट पर्पस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज एट होम। तो इसके लिए हमसे पूछ रहे हैं कि हम घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है हमारी जिंदगी में काफी बेहतरीन यूज है, जैसे कि फ्रिज है, हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जो है वो हम किससे, इलेक्ट्रिसिटी से ही यूज करते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक एनर्जी। अ मैग्नेट आल्सो पजेस एनर्जी। मैग्नेट जो है वो भी अपने अंदर एनर्जी रखता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट आयरन इज अटैच्ड बाय अ मैग्नेट। आप लोगों को तो ये बात पता होगी कि जो लोहा है वो मैग्नेट की तरफ खींचता है। मैग्नेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी प्रोड्यूस टेम्पररली बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटल्स लाइक आयरन। मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही टेम्पररी यानी बहुत ही कम तादाद में जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पास करता है आयरन के साथ। When electricity is stopped, जब बिजली रुक जाती है, the metal loses magnetic energy. तो जो metals हैं वो अपनी magnetic energy जो है खो देते हैं। Such magnets are called electromagnets. तो वो कौन से magnet होते हैं, वो electromagnet होते हैं। In many factories, कुछ कारखानों में scrap iron is separated from a heap of base material by using big electromagnet fitting to a crane. कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो है आयरन के कुछ टुकड़े जो हैं वो ढेर में से यानी फजूल चीज़ों में से जो आयरन के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो किसके जरिए समेटते हैं, उठाते हैं, उन्हें अलग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए जो कि क्रेन के ऊपर फिट होता है। इसमें दिखाया जा रहा है क्रेन के ऊपर जो है मैग्नेट फिट है और वो इस ढेर में से जो है लोहे के टुकड़े जमा कर रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स।
एलिमेंट जो है एटम से बना होता है ये हम मालूम है। दिस एटम हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर इन देयर न्यूक्लियाई, और उन एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, एनर्जी होती है। दिस एनर्जी इज यूज इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और यही एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इस्तेमाल होती है किस चीज के लिए, बिजली बनाने के लिए। ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब, बड़ी तादाद में जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिलीज होती है जब धमाका होता है न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम का। व्हेन द सन गेट्स इट हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, हम जो है हीट और लाइट भी जो है न्यूक्लियर एनर्जी से हासिल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास सोलर एनर्जी। द सन इज अवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज जो है हमारे लिए सबसे बड़ा जरिया है एनर्जी का। द एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम इट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, जो एनर्जी हमें सूरज से हासिल होती है हम उसे क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। विच इज अ फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, जो कि एनर्जी की एक किस्म है। द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर फूड, पौधे जो हैं वो सोलर एनर्जी की उन्हें जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वी आल्सो यूज सोलर एनर्जी टू रन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, हमें जो है बहुत सारी चीज यानी सूरज के जरिए हम भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर हैगा इसमें ये दिखा रहे हैं, थर्मामीटर हैगा, इन सब चीज़ों का जो है हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक सोलर पैनल्स वगैरह हैंगे, तो इस चीज़ का सूरज से जो है हम सब इन चीज़ों को जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। जेम्स प्रेस्कॉट जूली हु लिव बिटवीन 1818 एंड 1889, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि 1818 से 1889 तक थे, वॉज अ साइंटिस्ट हु फर्स्ट शोड दैट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, अब हम इस बारे में जो है मजीद समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्ट इन टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट एनर्जी में चेंज होती है, जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब की हमें एग्जाम्पल दी गई है। हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी यानी हीटर, मैकेनिकल एनर्जी यानी फैन। When we burn coal, wood, kerosene oil or liquid petroleum gas, the chemical energy of this substance change into heat or light energy. जब हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी, kerosene oil या petroleum, LPG वगैरह कुछ भी हम जलाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, हीट भी मिलती है और लाइट एनर्जी भी मिलती है। उसके बाद है यहाँ पे हमें ये एक पिक्चर है, इसके अंदर हमें इस तरह से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे पानी हैगा, ऊंचाई के ऊपर बहुत सारा पानी हैगा, ये पानी जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे एक टरबाइन हैगा, इस टरबाइन से क्या कनेक्ट है, एक जनरेटर कनेक्ट है, वो जनरेटर एक ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट है जिससे बिजली बनती है, फिर वो वायर्स जा रहे हैं टावर्स तक और वहां से क्या है बिजली की सप्लाई हो रही है। तो ये प्रोसेस हमें क्यों दिखाया जा रहा है, इस प्रोसेस के बारे में भी हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। सबसे अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। एट हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, ये जो हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर एट सम हाइट, काफी ज्यादा तादाद में जो पानी है वो ऊंचाई पर जमा किया जाता है। व्हेन दिस वाटर इज अलाउड टू फॉल ऑन द वेंस ऑफ अ टर्बाइन इट कॉज इट टू रोटेट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जब ये पानी जो है नीचे की तरफ बहा दिया जाता है तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और इसके प्रेशर से ये जो टर्बाइन है ये रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। व्हाट एनर्जी टेक प्लेस इन दिस केस, तो इस ये जो केस है यानी कि इस पूरे मामले में कौन कौन सी एनर्जी जो है काम कर रही है, एट द हाइट ऊंचाई पर वाटर हैज पोटेंशियल एनर्जी, ऊंचाई पर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। विच इज कन्वर्ट इन टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल, अब जब ये ऊपर हैगी ऊंचाई पर एक चीज रखी हुई है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब उसने हरकत की मूवमेंट की तो वो कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई और वो पानी क्या है नीचे की तरफ आ गया। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज चेंज इन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टर्बाइन, अब इसी काइनेटिक एनर्जी से ये टर्बाइन से जब वो पानी टकराया तो टर्बाइन ने भी हरकत करना शुरू कर दी, तो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टर्बाइन में भी ट्रांसफर हो गई, टर्बाइन में भी काइनेटिक एनर्जी पैदा हो गई। दिस इज टर्निंग चेंज इन दिस टर्न इज चेंज इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द जनरेटर, अभी टर्बाइन जो है गोल गोल घूम रहा है और ये टर्बाइन जो है जनरेटर से कनेक्ट था तो जनरेटर में जो है बिजली पैदा होने लगी, तो ये कौन सी एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। इन इलेक्ट्रिक बेल्स एंड लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इन टू साउंड एनर्जी, अब जनरेटर है
ये ऊपर से पानी नीचे की तरफ गया, टरबाइन का घूमना और उसके बाद जनरेटर का बिजली में कन्वर्ट हो जाना। तो इसके सिग्नल्स के लिए जो है उन्होंने लाउड स्पीकर और इलेक्ट्रिक बेल्स का जो सिस्टम था वो भी स्टार्ट हो गया। तो वो क्या हो गया, साउंड एनर्जी हो गया। लाइट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सोलर सेल्स। और उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो टर्बाइन के घूमने से जनरेटर में पैदा हुई थी वो आगे चली गई। तो वो हमारे उसके बाद वो इलेक्ट्रिक एनर्जी सेफ कहाँ होती है, सोलर सेल्स वगैरह में। तो इस तरह से लाइट एनर्जी सोलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस आ गई। यानी कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से बता रहे हैं, ये जो पानी हैगा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ये पानी नीचे की तरफ आया काइनेटिक एनर्जी, फिर ये टर्बाइन जो है ये रोटेट हुआ वो भी काइनेटिक एनर्जी ही थी क्योंकि मूवमेंट हुई है। उसके बाद उससे जनरेटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, यानी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जनरेटर जब ऑन हुआ तो एक सिग्नल था जैसे कि लाउड स्पीकर, वो ऑन हुआ तो साउंड एनर्जी। उसके बाद वो एनर्जी जो है वो आगे कन्वर्ट हो गई तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पर आई तो वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दस वी कंक्लूड दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस इन नेचर ऑल द टाइम। इसका मतलब है कि एक फॉर्म जो है एनर्जी की वो दूसरे और दूसरे से तीसरे फॉर्म में क्या है, चेंज होती रहती है। और इस तरह से ये सिलसिला जो है चलता रहता है हमेशा। अब हम अपनी वर्कशीट देखेंगे। ये काम आप लोगों ने कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे करना है। डिफाइन द फॉलोइंग, यहाँ पे दो डेफिनेशंस डिफाइन करने का कहा गया है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एनर्जी। एक किसी भी बॉडी के अंदर जो खूबी है मूव करने की वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, जिस एब्रीविएटेड एस के ई, और ये के ई से जो है एब्रीविएशन करती है। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन इट शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक जिसम एक बॉडी हैगी जो अपने अंदर खूबी रखती है अपनी पोजिशन और अपना शेप चेंज करने की, तो उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसको किससे एब्रीविएट करते हैं, पीई से करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बोला गया है, तो देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स एनर्जी की काफी सारी सोर्सेस हैंगी, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। उनमें से कुछ ये हैं, सन, फॉसिल फ्यूल्स, वाटर, वाइंड, द टाइडल वेव्स, बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम एंड डिफाइन हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर किसे कहते हैं, हीट ट्रांसफर द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ हीटर हॉटर बॉडी बाय अ कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर किसे कहते हैं, ठंडी चीज को गर्म में और गर्म चीज को ठंडी चीज में कन्वर्ट करने को हीट ट्रांसफर कहते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ टेक प्लेस बाय 3 प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस के जरिए होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उसके बाद है बुक वर्क जो है आप लोगों ने पेज नंबर 192 पे करना है। इसके आगे का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।